सो दोस्तों, आप लोग क्या करते हो वॉच टाइम को इंक्रीज करने के लिए मल्टी ब्राउज़र वेबसाइट को यूज करते हो, जिससे कुछ देर के अंदर ही आपका वॉच टाइम होता है वो वापस से डिक्रीज हो जाता है। लेकिन दोस्तों, वो डिक्रीज क्यों हो जाता है? क्योंकि वो आपको एप्लीकेशन वेबसाइट आपको यूज करनी नहीं आती, आप सही तरीके से यूज नहीं करते हो, जिसके कारण वो आपका वॉच टाइम कुछ ही घंटों या मिनट के अंदर घट जाता है। तो आज के तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कैसे यूज करना है मल्टी ब्राउजर, जो भी वेबसाइट एप्लीकेशन आप यूज करते हो आपको कैसे यूज करना है, सही तरीका बताऊंगा, जिससे कि जो आपका वॉच टाइम इंक्रीज होगा वो जेन्युइन तरीके से इंक्रीज होगा और जो आपका वॉच टाइम होता है वो डिक्रीज होने से बचेगा। तो दोस्तों, मैं ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, सीधा वीडियो को स्टार्ट करते और आपको यहाँ पर हमारी मोबाइल स्क्रीन वो मैं यहाँ पर ऑन करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपनी जो मोबाइल स्क्रीन है वो यहाँ पर मैंने ऑन कर दी, आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस प्रकार से ऑप्शन है। सिंपली आप लोगों को क्या करना है, आपको मैं यहाँ पर जा रहा हूँ सेटिंग्स के ऑप्शन में चले जाना है। सबसे पहले आपको सेटिंग के ऑप्शन के अंदर जाना है। सेटिंग के अंदर जाने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा, देखो थोड़ा सा मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है कि आपका जो सिस्टम है मोबाइल का वो अपडेट है कि नहीं, आपको अपना जो मोबाइल अपडेट करके रखना है। अपडेट करने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप देखो कि आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पर वाईफाई का ऑन करना है, वाईफाई अगर है तो वाईफाई यूज करें, वरना वाईफाई मत यूज करना, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल क्या करना, आप देखो यहाँ पर जो आपकी लोकेशन है वो आपको ऑन रखना है, सबसे मेन चीज ये लोकेशन करना है। फिर आपको अपने YouTube के अंदर जाना है, YouTube के अंदर जाने के बाद में आपको यहाँ पर दिखाई देगा आप चैनल के अंदर जाना है। आपको क्या करना है कि आप जो भी मल्टी ब्राउजर के अंदर जो वेबसाइट यूज, जो भी आप वीडियो यूज करने वाले वो आपको क्या करते हो, आप 2 सेकंड 2 मिनट 10 मिनट का वीडियो बनाते और आप यूज करते हो। आपको ऐसा नहीं करना 10 मिनट 20 मिनट का वीडियो नहीं बनाना, आपको कम से कम 3 से 4 घंटे का वीडियो बनाना है और यूट्यूब पर अपलोड करना, फिर आपको यूज करना। आप लोग 4 घंटे का वीडियो कैसे अपलोड करो, क्या कंटेंट बनाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप कैमरा ऑन करो और कैमरा ऑन करके छोड़ दो, ऑटोमेटिकली 3 से 4 घंटे का जो वीडियो बन जाएगा, ठीक है। फिर अपलोड कर दो, कोई एडिटिंग करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यार दोस्तों, मैंने यहाँ पर फिलहाल तो कोई लंबा वीडियो बनाकर डाला नहीं है, क्योंकि जो मेरे चैनल से वो मैंने डिलीट कर दी जिन पर मैंने मूवीज वगैरह अपलोड करता था, ठीक है। तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, 4 से 5 घंटे का वीडियो बनाना है और फिर आपको क्या करना है, शेयर पर क्लिक करना है, कॉपी करना है और आपको यहाँ पर कॉपी लिंक कर लेना है, ठीक है। कॉपी लिंक करने के बाद में आपको सिंपली क्या करना है, टर्बो वीपीएन यूज करना, और कोई वीपीएन यूज मत करना, जो बता रहा हूँ आज की डेट में जो वीपीएन चल रहा है वो बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो मैंने काफी सारे वीपीएन बताए लेकिन वो उस टाइम चलते थे, ठीक है, अभी नहीं चल रहा है। तो आपको देखो टर्बो वीपीएन यूज करना है, यहाँ पर एड आएगा तो एड को हटाना, यहाँ पर कनेक्ट कर ऑप्शन दिखाई देगा, टैप टू कनेक्ट करना है, ठीक है, टैप टू कनेक्ट करना है, यहाँ पर रिक्वेस्ट कनेक्शन करना। अभी आप देखेंगे यहाँ पर जो सबसे ज्यादा फास्ट सर्वर होगा वो यहाँ पर सर्च कर रहा है। अभी देखो यहाँ पर फास्ट सर्वर हो रहा है, ये जो रेबिट आपको यहाँ पर दिखाई देगा वो दौड़ रहा है, मतलब ये सबसे बड़े सर्वर आपके लिए ढूंढ कर दिया। तो आज के टाइम में यही यूज करना, अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो, ठीक है, जो आज 2024 के अंदर आप वीडियो देखो तो आपको ये यूज करना है, ठीक है। यहाँ से बाहर आता हूँ और अब देखो यूनाइटेड स्टेट का हो चुका है। आपको क्या करना है, मल्टी ब्राउजर एप्लीकेशन के अंदर चलना, आप ट्राई कीजिए इंडिया का यूज करने का, ठीक है। अभी आप लोग यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देगा, ये एप्लीकेशन है, देखो भाई साहब यहाँ पर लोडिंग ले रहा है और आपको यहाँ पर वेलकम का ऑप्शन दिखाई जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर लोडिंग ले रहा है, एड भी आएगा तो आपको एड भी देखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा बहुत अपन एडजस्ट कर ही सकते हैं, ठीक है। तो लोडिंग लेते देते हैं, तब तक आपको जो भी है ऐड कर सकते हो। देखो यहाँ पर आ चुका है ऑप्शन, कुछ ऑप्शंस दिखाई गए, गेट मोर व्यूज पर मल्टीपल टैप, वॉच टाइम, वीडियो एंड ऑटोमेटिकली प्ले, ठीक है। तो आपको चाहिए भाई साहब वॉच टाइम, ठीक है, तो अपन वॉच टाइम पर क्लिक करेंगे। नो इंटरनेट कनेक्शन, यहाँ पर मेरे पास अभी इंटरनेट नहीं है तो मैं आपको बता, जैसे कि अभी फिलहाल मेरे पास इंटरनेट नहीं है तो मैं यहाँ से वीपीएन को हटा देता हूँ ऑटोमेटिक, ठीक है। आपको वीपीएन यूज करना है, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पर एंटर द वीडियो का लिंक करता हूँ। अभी आपको कितने विंडोज चलाने, 2 विंडो 10 विंडो, अगर आपका कनेक्शन अच्छा है इंटरनेट का तो आप 8 विंडो यूज कीजिए और आगे टैप कर दीजिए। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो 8 टैप चलना स्टार्ट हो चुके, आप सोचिए कि मेरा 5 घंटे का वीडियो बना है, ठीक है, 5 घंटे का वीडियो बना है, तो मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि अगर मैंने 5 घंटे का वीडियो बनाया है और 8 स्क्रीन के अंदर एक साथ चलेगा तो 5 × 8 तो मतलब 40 घंटे का वॉच टाइम तो मेरा एक ऐसे ही आ जाएगा। अगर आपके घर में 4 से 5 मोबाइल है तो आप 5-5 घंटे का वीडियो यूज करो तो आपका कितना वॉच टाइम बढ़ेगा, ठीक। अभी क्या होता है, काफी लोगों का जो डिक्रीज होने की प्रॉब्लम होगी, आप बोलो कि भाई ये तो कर लूंगा लेकिन डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज नहीं होगा। आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम आपको वीपीएन का एक बार वीडियो देख लिया, बाद में आपको टाइम टू टाइम क्या करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर वीडियो चला रहा हूँ, 1 घंटा 2 घंटा हो गया, आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से बाहर निकल जाना है, वापस से वीपीएन को दूसरी कंट्री में डालना है और वापस से वीडियो को प्ले करना है। इससे क्या होगा, यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता नहीं चलेगा और आपका जो वॉच टाइम है वो बढ़ता रहेगा और डिक्रीज नहीं होगा। अगर आप ये तरीका अपनाते हो तो मेरी गारंटी है कि आपका एक भी वॉच टाइम डिक्रीज नहीं होगा, और अगर वॉच टाइम डिक्रीज होता है
तो आप लोग डिसलाइक करके सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब करके चले जाना, मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। तो आप ये ट्राई करके देख लो।